बस अड्डे के पास आए हुए हैं। फ्लाई ओवर से उतरते ही हमारे यहाँ पर फैजान मुगलई के नाम से एक रेस्टोरेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था आपको एक रेस्टोरेंट के बारे में। अभी हम उनके दूसरे रेस्टोरेंट के पास आए हैं सर्वे के लिए, जिसमें मैं आपको उनकी खास स्पेशलिटी दिखाना चाहूँगा। और अभी हम जो यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कैमरा मैन से, तो यहाँ पर लजीज पकवान बनाए जा रहे हैं। उनकी तरफ दिखाने के लिए कहूँगा कि आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर बर्त किया जा रहा है और यहाँ पर एक से एक अच्छे लजीज पकवान बनाए जा रहे हैं। तो अभी जैसा कि हम रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ कारीगर हैं जो वर्क कर रहे हैं, मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। सर नाम क्या है आपका? आरिफ। आरिफ जी, यहाँ से आप कब तक, कितना टाइम हो गया आपको लगभग जुड़े हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। यहाँ पर शॉप ओनर का जो व्यवहार है उससे काफ़ी अच्छा है? बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, आरिफ जी काफ़ी ज़्यादा शॉप ओनर के व्यवहार से ज़्यादा काफ़ी अट्रैक्ट है। यहाँ पर अभी हम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फैजान मुगलई के बारे में आपको पहली वीडियो में दिखाया था, और अभी हम दूसरी वीडियो में दिखाते हुए फिर से शॉप ओनर जो रेस्टोरेंट ओनर है, मैं उनसे पास दोबारा से आया। सर नमस्कार सर। तो सर यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया, आपकी पहली वीडियो में आपके मैंने पहले रेस्टोरेंट के बारे में दिखाया था, ये आपका दूसरा बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर भी आप जो जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में मुझे एक बार और बताएंगे सर, जो इस रेस्टोरेंट में उपलब्ध है? और उस वाले शॉप जो रेस्टोरेंट के थे वो भी मुझे बता दीजिए। ग्रेवी का आइटम है, चिकन चंगेजी अफगानी और बटर है, चिकन बटर है, चिकन टिक्का है, नॉकेट है और चिकन बाटी है। सर ने लगभग मुझे यहाँ पर खड़े खड़े एक चिकन से लेकर जितने 25 से 30 लगभग आइटम्स के बारे में बता दिया है, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना था, मगर मेरा जैसा मन है मैं यहाँ पर जरूर टेस्ट करके जाऊँगा। और यहाँ पर आपसे यही कहूँगा, जितने भी वीडियो व्यूअर्स हैं, यहाँ पर एक बार अगर गाजियाबाद आते हैं तो फैजान मुगलई तक जरूर आकर मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलती है, साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन बहुत है। चिकन से ही लेकर आप बहुत सारे ऑप्शन में डील कर सकते हैं, यहाँ पर आकर स्वाद ले सकते हैं। और इन्होंने जैसा अपने एक्सपीरियंस में बताया है, इन्होंने ज़्यादातर बाहर देशों में वर्क किया हुआ है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है स्वाद को लेकर। यहाँ पर खासकर जो यहाँ पर स्टाफ मेंबर है वो भी स्पेशल दिल्ली से आए हुए हैं, सारे सारे एक्सपीरियंस वाले हैं और यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ बहुत अच्छा स्वाद है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे आप विजयनगर से हो, चाहे आप घंटाघर से हो, चाहे कहीं भी हो गाजियाबाद के किसी भी कोने से, तो एक बार फैजान मुगलई के पास जरूर आएँ। ये बस अजमेर न्यू बस अड्डे के पास पड़ता है, घंटाघर का जो फ्लाई ओवर है उसे उतरते ही आपका राइट हैंड पर है। दूसरा, अगर आप बाहर से हैं, एनीवन दिल्ली से हैं या फिर आप मेरठ से हैं या किसी और शहर से हैं और आपका यहाँ पर आना है, तो फैजान मुगलई पर जरूर आएँ टेस्ट के लिए, क्योंकि आपको ऐसा टेस्ट शायद कहीं और ना मिले। तो मैं यही बात अपनी कदम करता हूँ और आगे भी मैं आपको फैजान मुगलई के बारे में बताता रहूँगा, इनके नए आइटम्स के बारे में और उनके स्वाद के बारे में। आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।